आज सभी की बात पक्की होने वाली थी, बेचारा बहुत परेशान था, मैं उसको कॉल करता हूँ। हाँ हाँ पूछो। तेरी काली जबान हो गया बंद, ये नालायक बदतमीज और बेहुदा पसंद है तुम्हारी। क्या सोचा था और क्या हो गया यार। वैसे तुम पक्का उन्हीं की बेटी हो ना। क्या बकवास कर रहे सभी। बेटा कल अपने वालदैन को हमारे घर ले आना, रिश्ते की बात कर लेंगे। कल सुबह ही ले आऊंगा मैं अबू को आपके यहाँ। सुबह हम शरीफ लोग जॉब पे जाते हैं, शाम में लेके आना। वे भाई इतने अपने गुनाहों की माफी मांगी होती ना, मेरी जन्नत पक्की हो जाती। अरे जैसी ईसा के डायपर्स। समी, अबे उठ, अबे कब से गेट बजा रहा हूँ, एक तो तू सोता पड़ा रहता है, वो तो शुक्र है तेरे अम्मा बातें उन्होंने गेट खोल दिया तभी मैं आया हूँ। अबे तू तो इतनी सुबह मेरे घर में घुसा क्यों है। अबे एक भंड हो गया। क्या हो गया। जैसी गायब हो गया। हाँ मुझे पता है। हा? तुझे पता है। हाँ परसों ही तो दुबई गया है, दो दिन से गायब है। अबे वो तो मुझे भी पता, वो दुबई गया हुआ है। जैसी दुबई के अंदर गायब हो गया है। यार मुबीन तूने कोई बूस्टर शॉट लगवाया कल रात को। लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। समी कभी तो 10 साल के बच्चे की जगह 30 साल के मर्द की तरह सोचेगा। मुझे सुबह ही सुबह रिदा की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि रात को वो ईसा के डायपर लेने निकला था जैजी और वापस नहीं आया। अबे मगर जैजी कैसे गायब हो सकता है, वो तो खुद किसी को गायब कर ले। अबे भाई ये मुझे नहीं पता, काफी घबराई हुई थी रिदा और रो रही थी। तो अब यार अब वो अकेली है ईसा के साथ, मेरे ख्याल से हमें दुबई जाना चाहिए। अबे पागल हो गया क्या, मेरा निकाह अगले हफ्ते, तुझे पता है इस रिश्ते के लिए कितने पापड़ बेले, इतने पापड़ मैंने जिंदगी में खाए नहीं कभी। अबे एक बात बता, अगर इस सिचुएशन में जैजी की जगह तू होता तो मैं और जैजी तेरी हेल्प नहीं करते क्या। यार तेरी बात ठीक है मगर मेरी सिचुएशन भी समझना। देख यार इस वक्त रिदा और ईसा को हमारी जरूरत है, हमें जाना होगा और उसे ढूंढ कर लाना होगा। मैं जा रहा हूँ दुबई उसको ढूंढने के लिए, तुझे आना है तो आ वरना यही भाड़ में जा। और याद रख ना मुझसे मिलने की कोशिश करना, ना जैसी से मिलने की कोशिश करना, और वो जो कार पड़ी भी ना ये भी मुझे वापस करना, समझा। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए, कॉन्टेक्ट नहीं करना मुझसे। अरे मुबीन मुझे पता था तू आएगा, ये जो इमोशनल ब्लैकमेल वाला जो फॉर्मूला है ना हमेशा काम करता है। चल टिकट करवाते हैं। अबे रुक जा चेंज कर लूं मैं। हाँ ना शुक्र है तुम दोनों आ गए। हाल मैं तो इतनी परेशान हूँ, जैसे को मैंने कल रात डायपर लेने भेजा था, इतने घंटे हो गए अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है उसका। अगर किसी ने किडनैप किया तो कोई कॉल तो करे ना। अच्छा ये बताओ तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। नहीं मैंने सबसे पहले आपको बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करके पता नहीं कोई मजीद मसले में ना पड़ जाए। हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। अच्छा रिदा तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी सही रुको, मैं और मुबीन जाके देखते हैं। वैसे समी अगर तुम दोनों मजाक कर रहे हो तो प्लीज अभी बता दो। अरे हम लोग क्यों मजाक करेंगे, तुम्हारी एक कॉल पे हम वहां से यहां उड़ के आ गए। क्यों लास्ट टाइम वाला भूल गए। जल्दी चलो, इतनी देर क्या लगा रहे हो यार, देर कर दी तुमने बहुत। आ रहा हूं यार, इतनी भी जल्दी नहीं है। रिदा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरा निकाह और कितनी मुश्किल से मेरी बात पक्की हुई है, इस टाइम मैं मजाक थोड़ी करूंगा। अच्छा समी एक काम करते हैं, हम लोग सामान अपना यहाँ रखते हैं। अच्छा रिदा तुम्हें अगर जैजी की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले ना तो हमें व्हाट्सएप कर देना, सही है, तब तक हम देख कर आते हैं बाहर सिचुएशन क्या है। चले हाँ हर सीरीज में किसी ना किसी को ढूंढते ही रहेंगे हम लोग। तूने व्हाइट शर्ट जो पहनी है ऐसा लग रहा है हम दोनों ने बनियाने पहनी है। चल वैसे एक बात बताऊं, टर्की में किसी को भी ढूंढना बड़ा आसान है। वो क्यों। अबे यहाँ की गर्मी देख, वाह इस मौसम तो अच्छा था।
हाँ वैसे बात तू ठीक कह रहे हैं, और तुझे वैसे भी धूप में वही करनी चाहिए, पता है? अबे क्या बोल रहा है? अबे रुक, कहना क्या जा रहा तू? यार पता है मैं क्या सोच रहा था? देख, दुबई भी हो गया दो बार, टर्की भी हो गया। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर अगली बार तो कोई घूम होए तो वो यूएस में हो जाए। अबे हाँ, अबे 5 साल का वीजा भी लग जाएगा इस बहाने। जो बात है। और मुझे वैसे भी टाइम्स स्क्वायर पर ढूंढने का बड़ा शौक है। तो मतलब कोई घूम होए तो न्यूयॉर्क में हमें बता के होए कि ताकि हम टाइम्स स्क्वायर जा सकें। मतलब कुछ हो तो सकता है ना। चल जेजी को प्लान बताएंगे। हाँ, अबे उसको ढूंढ तो लें पहले, चल। यार इस तरह तो जैजी नहीं मिलेगा। अरे हर गली हर कूचे छान मारा। यार जैजी को कहीं किसी ने मारवार तो नहीं दिया? अबे तो पागल है क्या? ये दुबई है, सिक्योरिटी देखिए यहाँ की। यार मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। एक तो रिधा की भी अभी तक कोई कॉल नहीं आई। कह तो तू ठीक रहा है मगर। हेलो, हाँ फातिमा। वो मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। हमारा 2 दिन बाद निकाह है, तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ यार फातिमा, वो सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं असल में मुबीन के साथ दुबई आया हूँ। क्या तुम क्या मजाक कर रहे हो समी, फौरन मुझसे आके मिलो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, जैजी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। रिदा ने हमें रो रो के कॉल करके बुलाया, तो मैं और मुबीन फौरन से यहाँ आ गए और मुझे टाइम नहीं मिला कि तुम्हें बता सकूँ। और हालात ही ऐसे थे कि मैं कब तुम्हें बताता, और रिदा वाकई बहुत परेशान थी। समी मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बोलूं। हाँ फातिमा आई नो, बट क्या करता है इस सिचुएशन में, रिदा और ईसा को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। हमारा 2 दिन बाद निकाह है यार। हाँ मैं। हेलो हेलो समी, क्या अजीब बंदा है यार, कॉल कट कर दी। अरे मैं 30,000 दिरहम दे दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं दे दूंगा वापस। 30,000 दिरहम? कौन से पैसे? अबे हम तुझसे पैसे थोड़ी मांग रहे। जस्ट गिव मी वन मोर वीक ना प्लीज, वन मोर वीक। अबे मुझे लग रहा है इसको दुबई की गर्मी चढ़ गई, पागल हो गया ये। अबे हम तुझे तेरे बीवी बच्चे के पास लेके जा रहे हैं, पागल तो नहीं हो गया है? मेरी बीवी बच्चे भी आ चुके हैं। नहीं नहीं उनको हर्ट नहीं करना, वो लोग बेकसूर हैं। नहीं नहीं तू पागल तो नहीं हो गया जैजी? जैजी जैजी कौन है? आई एम गोपाल फ्रॉम मुंबई। यार मुझे लग रहा है हम इसको अपने तरीके से लेके आते। नहीं नहीं मुझे जाने दो। अरे अरे प्लीज लेट मी गो प्लीज। दोस्तों को नहीं पहचाना ठीक है, बीवी और बच्चे को तो पहचान ले। अरे नहीं नहीं आई प्रॉमिस मैं इनको नहीं जानता। जैजी होश में आओ, जब से दुबई आए हो तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। ये जैजी जैजी कौन है? मैं तो गोपाल हूँ फ्रॉम मुंबई।
प्रवीण भाई, ये तो जैजी नहीं है, कौन है ये? अरे मैं तो कब से इनको बोल रहा हूँ कि मैं जैजी नहीं हूँ, मेरा नाम गोपाल है, फ्रॉम मुंबई। अभी ये दोनों मियां बीवी हो गए पागल, एक काम करते ईसा को उठाते और चलते, खुद ब खुद पीछे आएंगे ये लोग। अरे मैं सच कह रही हूँ, ये जैजी नहीं है, मुझे अपने शोहर का पता है भाई। अगर ये जैजी नहीं है तो जैजी क्या? अभी तो पक्का जैजी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं जैजी नहीं हूँ, मैं गोपाल हूँ, मुंबई से हूँ मैं। तो फिर तू हमसे भाग क्यों रहा था? असल में मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैंने अपने बैचलर्स किए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मैं दुबई आया था एक साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने, कुछ लोगों से पैसे लिए थे और अनफॉर्चुनेटली मेरा बिजनेस नहीं चला, और जिन लोगों से पैसे लिए थे वो लोग मेरे पीछे पड़े। मैं समझ गया। क्या? असल में इसकी शक्ल हमारे जैजी से मिलती है, तो जिस किसी ने भी जैजी को उठाया वो असल में गोपाल समझ के जैजी को उठा लिया। अरे तो इसको बोले ना कि अपने आप को उनके हवाले करे, ताकि वो मेरा जैजी तो वापस ले। देख भाई भोपाल, गोपाल फ्रॉम मुंबई, माइंड यू गोपाल, तूने जिसके पैसे लिए ना, उन्होंने हमारे जैजी को उठा लिया, अब तुझे उनके पास जाना होगा ताकि वो हमारा जैजी छोड़े। अगर तू खुद से नहीं गया तो हम तुझे पुलिस के पास ले जाएंगे, बता रहे हैं। देखें, मेरी शक्ल तो आपकी जैजी से मिलती होगी, मगर अकल नहीं। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बचा लिया। अब बस कल मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ, आप जाने, आपको जैजी जाने और ये कोडू। ए भोपाल, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी वजह से उन्होंने जैजी को किडनैप किया है। अरे तुम अपने आप को सीधा सीधा हवाले करो, नहीं तो मैं पुलिस को बता रही हूँ। जैसी दिखते सेम है मगर दो अलग अलग लोग हैं। हाँ ये भी एक मसला है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इससे इसका आईडी मांगता हूँ। तुम्हारे पास जैजी का आईडी और पासपोर्ट है? हाँ रखा है। बस वो हमारा प्रूफ होगा पुलिस के सामने कि ये दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है चलते। अबे ये इतनी ऊपर से कूदा कैसे? स्पाइडरमैन है क्या? अबे स्पाइडरमैन नहीं है, गोपाल है, फ्रॉम मुंबई, माइंड इट। अबे चल ले। अरे समी सुनो, वो ईसा के डायपर ले आओ, असल में रात में जैजी को भेजा था वो तो वापस आया नहीं, तो ईसा कब से उसी डायपर में है। हाँ ले आता हूँ। पैसे निकाल। कौन से पैसे? मेरे पास आप लोगों के कौन से पैसे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कौन से पैसे निकालूं? बहनों ही हैं आपके, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देगा। तो फिर कैसे मांगू? तलाशी लो उसकी, देखो उसके वॉलेट में क्या है। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे आप लोगों के। आप लोग है कौन? गलत बंदे को ले आया शायद। ये क्या? ये खिलौने हैं, मेरा एक बेटा है और एक बीवी है। तुम्हारे एक बेटा नहीं, तुम्हारे चार बेटे और दो बीवी हैं। और अगर तूने हमारे पैसे ना निकाले तो हम सबको उठा लेंगे और एक एक पाई वसूल करेंगे। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी दो बीवियां नहीं है, दो बीवियां होती मगर एक ही बीवी है मेरी, और मेरे पास आप लोगों के पैसे नहीं है, गलत फहमी हो चुकी है। ये तेरा फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं, बचपन में मेरा बहुत खेला ऐसे खिलौनों से। अबे ढक्कन, किडनैपिंग का फर्स्ट टाइम है? हाँ हाँ, किडनैपिंग का तो फर्स्ट टाइम है सर। तो इन खिलौनों को छोड़ और इस खिलौने से खेल। अच्छा।